अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुद्दे तो खैर मेरे पास बहुत है, पर जो मेरी नज़र में जो तीन अहम मुद्दे थे फ़िलहाल मैं उस पर बात करूँगा। रिसेंटली जो मुद्दा है बरसात को लेकर, जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि अगर आप थोड़ा सा कैमरा फिराओगे तो यहाँ से अजवा से लेकर आप देखो नईम खान साहब के बंगले की तरफ तक सभी लोगों ने ऑलमोस्ट नया मंडप बांधा है। अभी जो मंडप बांधा है फुकट तो बंदा होगा नहीं, पैसे तो लगे होंगे ना भाई। तो ये मंडप का हर बाकड़े वाले ने कम से कम 2-2 हज़ार रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन करके बाम्बू नया लाया है, ताड़पत्री नई लाया है, सब नई ला के अपने अपने धंधे के बचाव के लिए उन लोगों ने अपना इंतज़ाम अपने अपने हिसाब से किया है। अब आप यहाँ पर देखो मुंबरा का इतिहास है कि जब भी MLA या किसी भी तरह का नगर सेवक का इलेक्शन आता है तो नेताओं को बाज़ार की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो नेता लोग तो खुद तो चल के जाते नहीं है मार्केट के पास कि भाई हमारे को वोट दो, नेता खुद बुलाते हैं। अब वो नेताओं का तरीका क्या होता है मालूम है क्या? वो नेता क्या करते हैं, सीधा मार्केट पे बुलडोज़र चला देते। अब जब मार्केट पे बुलडोज़र जब चलता है ना भाई, तो मार्केट वाले लोग का नुकसान हो जाता है। अब 2-2 हज़ार पर बाकड़े वाले लोग ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना, अगर मैं बोलता 750 राजीव गांधी हॉकर्स के अंडर में आते 750 हॉकर्स, तो उसमें से मैं सिर्फ 250 को हटा देता हूँ, सिर्फ 500 पकड़ता हूँ। 500 लोग ने भी अगर 2-2 हज़ार रुपया दिए ना तो 10 लाख रुपया होता है भाई। 10 लाख, ये 10 लाख का अमाउंट मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में इस पर अगर मार्केट पे कार्रवाई होती है तो करीबन 10 लाख रुपये का मार्केट के लोगों का नुकसान होता है। इसका भरपाई कौन देगा भाई? यूनियन तो किसी भी तरह का आगे आके हाथ बोलेगी नहीं कि भाई हमारी मदद करो, या तो फिर जो जिनका नुकसान वन का नुकसान का तो भरपाई मिलेगा नहीं। यूनियन का क्या मेंटेनेंस है? यूनियन का मेंटेनेंस सिर्फ ईद मुबारक के बैनर में जाता है, पावती फाड़ने वाले की पगार जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 38 लाख की ऑफिस है, भाड़ा तो देना ही नहीं है ना, और चौकी में इफ्तार पार्टी होती है तो बस इफ्तार पार्टी का खर्चा होता है, बाकी किसी भी तरह का यूनियन का खर्चा है नहीं। अभी आप रात में आके देखोगे ना तो यहाँ पे ना कचरे का पूरा पहाड़ बना रहता है भाई, कचरे का पूरा पहाड़ बना रहता है। अब वो पहाड़ का जिम्मेदार कौन है? अगर मैं बोलता हूँ अगर 750 हॉकर्स है, अगर हर 3 बाकड़े वालों के पास एक डस्टबिन प्रोवाइड की जाएगी तो किसी भी तरह का डस्ट होगा नहीं। आज हमारी माँ बहनें, आपकी भी औरतें हैं, मेरी भी वाइफ यहाँ पे आके ख़रीदारी करती है। इस ख़रीदारी के बीच में अब तुम ये देखो, दूसरा मुद्दा जो मेरा बोलने का वो है, वो ये फुटपाथ शॉर्टेज का है। ये जो रास्ता है ना, ये हमारी माँ बहनें जब यहाँ से गुजरती है, जब गिराकी का वक्त रहता है भाई, तो कुछ छिछोरे लोग आते हैं मार्केट के बीच में, हमारी माँ बहनों को यहाँ वहाँ टच करके चले जाते। उसकी वजह अब यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा देखो इसमें चलने को कितनी जगह है और झंडा लगाने की जगह कितनी है। जब यहाँ पे भीड़ होती है ना भाई, तो हमारी औरतों के साथ मिसबिहेविंग होती है, इसका ज़िम्मेदार कौन? तीसरा जो मेरा अहम मुद्दा ना भाई, वो एकदम लास्ट मुद्दा है। मेरे 7 मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा ये है कि भाई हमारे मार्केट के लोगों को पावती का वो जो है ना कलेक्शन बंद करना पड़ेगा। वो जब तक के बंद नहीं होगा ना, तब तक के मार्केट के लोगों का ना भला होगा ना हमारा भला होगा। अगर मेरे को पैसे दिए होते ना तो मेरे को खिलाफ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़रूरत मेरे को क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है, मेरा खुद का कारोबार है, मेरा पावती पे घर नहीं चल रहा है, मेरा मार्केट की 30 रुपये की पावती पे घर नहीं चलता है, मेरा खुद का धंधा है भाई, सब्जी का भी धंधा है, पानी का भी धंधा है। और रही बात जिन लोगों ने आरोप लगाया है ना, उनकी मुँह पर आने की हिम्मत नहीं है बोलने की कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है करके, ठीक है। और इस वक्त मैं प्रशासन से और मेरे मार्केट के लोगों से सिर्फ यही अपील करूँगा भाई, जो आप लोग 30-30 रुपये दे के मार्केट के लोगों को और मार्केट की यूनियन को जो मजबूत कर रहे हो ना, वो करना बंद कर दो। क्योंकि 30 रुपये लेके सिर्फ मार्केट का भला हो रहा है, यूनियन का भला हो रहा है, हम मार्केट वालों का कुछ हो ही नहीं रहा। अब 30 रुपये से अगर मैं लास्ट 2 साल का डेटा अगर आप उठा के देख लो, मैं बोलता अगर 750 हॉकर्स है, सालाना कलेक्शन 81 लाख रुपये का होता है, सालाना कलेक्शन 81 लाख का, उसमें से मैं बोलता 31 लाख हटा दो, सिर्फ 50 लाख पकड़ो। 50 लाख रुपए में अगर 2 साल में अगर तुम देखोगे तो 2 करोड़ का टर्नओवर है भाई, मार्केट का 2 करोड़ का खर्चा किधर है? मार्केट वालों अरे ये इतने बड़े छटे छाटे, ये टोरेंट की बिल भी मार्केट वालों से वसूल करते भाई। टोरेंट की बिल है ना गन्ने वालों से 3,500, एक बल्ब का 500 रुपया भाई, ये ना पूरी मार्केट को इन लोग ने बना दिया करप्शन का अड्डा भाई। ये तो मुंबरा की पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ बाजार का ही मुद्दा नहीं, तुम हर गली का ले लो। इलेक्शन से पहले हर गली को खोदा जाता है पाइपलाइन के काम के लिए, गटर की साफ़ सफाई के लिए। अरे मेरा बोलने का मतलब, जब खर्चा करो तो एक ही बार सिस्टमेटिक बनाओ ना भाई, तुमको जब बनाना ही है तो सिस्टमेटिक बनाओ। और रही बात वो 2 एकड़ ज़मीन की ना भाई,
तो मुंब्रा में कोई रिजर्वेशन प्लॉट्स बचे ही नहीं है, सब जगह तो बिल्डिंग बन गई है, सब जगह तो बिल्डिंग बन गई है। तीन मांग रहेगी भाई, वो तीन मांग मेरी सिर्फ मार्केट से नहीं, यूनियन से भी और मार्केट के लोगों से खास मैं अपील करूँगा। सबसे पहला जो मार्केट के लोगों को काम करना ना भाई, सिर्फ मेरे बाकड़े से नहीं होगा, पूरे 750 लोगों को मिलके करना होगा वो काम। वो काम ये है कि भाई सबसे पहला ये मार्केट को जो तुम 30-30 रुपया दे के पावती दे के मजबूत कर रहे हो ना, उसमें हम नीचे जा रहे हैं, मार्केट मजबूत हो रही है, यूनियन मजबूत हो रही है भाई। करीबन मेरे हिसाब से, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है बट मैंने सूत्रों से पता किया हूँ कि मार्केट के पास अभी 1 करोड़ का फंड है भाई। अगर मार्केट 1 करोड़ का फंड में खाली ये मार्केट के झोपड़े बना के दे देती ना तो कुछ तो भला होता। अभी ये बुलडोज़र चल जाएगा तो फिर इसकी भरपाई कौन करके देगा भाई? यूनियन तो बाद में आती है, पहले बुलडोज़र चल जाता है, लोगों का नुकसान हो जाता है भाई। लोगों के किसी के भाजी तरकारी दब जाती है, म्यूनसिपालिटी सुनती नहीं भाई किसी की भी, हाथ गाड़ी उठाती सीधा टेम्पो में डाल के लेके चले जाती है। पहला मुद्दा है भाई पावती बंद। दूसरा मुद्दा है भाई फुटपाथ जो शॉर्टेज है ना भाई, इसका हमको हल करके दो। क्योंकि भाई मैं जगत की टेंशन नहीं लेता, मैं मेरी वाइफ पे लेके बात करता हूँ भाई। मेरी वाइफ भी ये मार्केट में आके खरीदारी करती है, जब वो आती है ना तो ये देखो फुटपाथ का शॉर्टेज देख लो, ये रास्ता इतना छोटा है भाई। हमारी माँ बहनें जब यहाँ से गुजरती है ना भाई तो ये माँ बहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं रहती है। अब ये चारों बाजू से यहाँ से लेके वहाँ तक पैक है। अभी किसी का मिर्ची का धंधा है, किसी का कांदे बटाटे का धंधा है भाई, यहाँ पे वेंटिलेशन ही नहीं है, यहाँ पे ना वेंटिलेशन ही नहीं है। और दूसरी चीज़, तीसरा जो मंडप है ना भाई, मंडप का इसका हमारे को कुछ हल करके दो। अगर यूनियन हमारे को आके ये बोलती है कि भाई नहीं, बुलडोज़र चलने के बाद जिस किसी का भी जो भी नुकसान हुआ है हम भरपाई करने के लिए तैयार है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये तो इसका खुलासा मैंने पिछली बार भी किया था भाई, ये जो स्कैम जो शुरू हुआ ना भाई, ये लॉकडाउन में शुरू हुआ। अगर जेन्युइन हॉकर्स की संख्या देखी जाएगी तो 380 से 350 के करीब निकलती है। आज वो हॉकर्स जा बढ़ चढ़ के 750-800 के करीब हो गए भाई, जिसमें से कुछ लीगल्स है, कुछ अनलीगल्स है। लीगल्स वो है जो सालों से धंधा कर रहे, अनलीगल वो है जिनको मार्केट की यूनियन ने जगह बेची लॉकडाउन में मित्तल में। अब जब मार्केट यहाँ से मित्तल से वापस यहाँ पे शिफ्ट हुआ गुलाब पार्क में, तभी मार्केट को देने के लिए जगह नहीं थी, तो मार्केट ने क्या दिमाग लगाई कि भाई जिन जिन के पास 8 फुट की जगह है ना, उनको शॉर्ट करके 4 फुट कर दो। जिसमें से मेरी भी 2 जगह का भाई 4-4 फुट शॉर्ट होके मेरी 8 फुट जगह गई, जिसके लिए मैं पहले लड़ रहा था, उसका इंसाफ तो मेरे को अभी तक नहीं मिला। खैर वो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। तो जो आपका सवाल है ना हुसैन भाई, उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। ये जो स्कैम हुआ था ना लॉकडाउन में मार्केट में, लाख डेढ़ लाख रुपये में जगह बेचे थे यूनियन के लोगों ने। जब मार्केट यहाँ पे आई तो उनको एडजस्टमेंट करके देना पड़ा। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना भाई, अगर आप उनसे जाके पूछोगे ना, तो ये जो पीछे की जो लाइन है ना भाई, ये आज से पहले नहीं थी। ये लाइन जब लॉकडाउन से मार्केट इधर आई ना, तभी लाइन बनी है। वो लाइन बनी क्यों? क्योंकि भाई जब लाख रुपये में जगह बेचे हो तो उनका पैसा जो लगा हुआ, उनको तो जगह देना ही है ना। तो लोग ने क्या किए भाई, पीछे की एक्स्ट्रा जो लाइन है, वो एक्स्ट्रा लाइन की वजह से आज पार्किंग का विवाद होता है। तुम देखो बेचारे खरीदारी लोग खरीदारी करने आते हैं, एक औरत को बेचारा बाहर खड़ा करके बाइक पे बैठा के आता है कि कहीं आरटीओ वाला आके हमारी गाड़ी लेके ना चले जावे। पहली बात तो पार्किंग का मसला है, दूसरा हमारी माँ बहनों के लिए वॉशरूम नहीं है, तीसरा ये फुटपाथ शॉर्टेज का मसला है। ऐसे मसले तो एक बहुत है मेरे पास बताने के लिए, मसले तो बहुत है, पर इन पे वर्क करना काम किसका है? यूनियन का ही ना। अभी आप छोटी सी बात देखो, अब दूसरी यूनियन भी है गुलाब पार बाजार पे, जो शॉपकीपर सॉकर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है रिजवान भाई, उनकी भी तो यूनियन है। उनकी यूनियन क्यों नहीं पावती फाड़ती है? उनका भी तो कुछ चलता रहेगा ना, उनको तो भी किसी को पगार देना रहेगा, उनका भी तो कुछ मेंटेनेंस होगा। जब कोई संस्था बनती है तो संस्था का कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस रहता है। वो बिना किसी पावती के आज सालों से यूनियन चला रहे। तो मेरे पे पहले भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों मालूम क्या? क्योंकि मैंने किसी से 30 रुपये की अवैध पावती नहीं वसूला, ना तो मैंने किसी को जगह बेच के गया। ठीक है, जो बीच में जो 2 महीने का जो गैप मैंने लिया ना, उस 2 महीने के गैप का जो रीज़न था, बीच में रमजान ईद का मसला आ गया था और दूसरा आचार संहिता लग गई थी भाई, मेरे को पुलिस की तरफ से नोटिस वगैरह आई थी कि भाई तुझे किसी भी तरह का विवाद नहीं करना है इलेक्शन तक का। अब मैंने जो मुद्दा उठाया हो ना भाई, वो मैं रोज़ मेरे ग्रुप में व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं मेरी वीडियोस मेरे फ़ोटोज़ शेयर करते रहता हूँ। लेकिन अब मैं मेरी 3 बातों में मेरा जवाब ख़त्म करूँगा और मेरी बात ख़त्म करूँगा भाई। वो ये है कि जो मार्केट का जो भार, अगर वो जो कचरा पड़ता है, अगर उसको डस्टबिन हमारे को प्रोवाइड नहीं कराई गई, अगर हमारे मार्केट के लेडीज़ लोग को चलने के लिए जगह नहीं बड़ी की गई, अगर ये पावती का काम नहीं बंद हुआ, तो सबसे पहला भाई मैं जाऊंगा पहले कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस में जाके भाई मैं मेरे यूनियन के खिलाफ सीधा आवाज़ उठाऊंगा। और ये जो जितना भी कचरा है, अगर हमारे को डस्टबिन नहीं आती है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सिर्फ 24 घंटे में अगर हमारे मार्केट को डस्टबिन नहीं आए भाई, जितना भी कचरा है मैं मार्केट के यूनियन के ऑफिस पर लेके आके फेंक दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी एकदम अहम बात भाई, पुलिस प्रशासन ने लास्ट टाइम मेरे साथ क्या की थी कि भाई मेरे को बोल के ये भेजा गया था पुलिस चौकी से
कि भाई तुम्हारा जो मैटर है ये थाने महानगर पालिका का मैटर है, थाने टीएमसी का मैटर है, ये पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अगर मैं किसी भी तरह का ये मेरी तरफ से जो भी करूँगा मार्केट के लिए, तो इसमें पुलिस प्रशासन अगर इन्वॉल्व होगी तो मेरा पुलिस प्रशासन से पहला सवाल रहेगा कि आप जो इतना करप्शन इधर मार्केट में चल रहे हो, पहले उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ, पहले उसको गिरफ्तार करो जो मार्केट का मुजरिम है, ना कि वो जो भाई मार्केट के हक के लिए लड़ रहे हैं।